हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो फैन लगा होता है वो नॉर्मली ऑपरेट करता है, तो उसमें एक सेल जैसा एक डिवाइस लगा होता है, उसको बोलते हैं कंडेंसर। जब वो कंडेंसर जल जाता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कंडेंसर, जल गया, फूक गया या खराब हो गया, ब्रेक डाउन कर गया, तो फैन की स्पीड स्लो हो जाती है। फुल स्पीड पे चलता हुआ, फुल स्पीड पे अगर हम रेगुलेटर कर देते हैं, फिर भी हमारे फैन की स्पीड बहुत स्लो रहती है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या है, फैन जो होता है, फैन में देखा होगा आपने, तो जो फैन में जो लगा होता है, यहाँ क्वाइल होती है, बहुत सारे टर्न की लगी हुई क्वाइल होती है। क्वाइल है तो वायर है तो उसमें रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा प्लस उसको तुमने क्वाइल बना दिया ना, क्वाइल बना दिया तो उसका एक सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा। तो देखा जाए मोटा मोटा, वो जो फैन की जो पूरा क्वाइल है वो एक आरएल सर्किट जैसा बिहेव करेगा। आरएल सर्किट मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है तो यहां पे जेड की वैल्यू क्या आएगी? अभी हमने जेड के लिए एक्सप्रेशन देखा था, जेड इज इक्वल टू देखा था क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ये किसके लिए देखा था? ये आरएलसी सर्किट के लिए देखा था। इस सर्किट और इस सर्किट में क्या डिफरेंस है? इस सर्किट में डिफरेंस ये कि यहां पे कैप्सूल गायब हो गया, और जब इंडक्टर हमारा जल, जो हमारा कैप्सर है, इंडक्टर बोल सकते हो, कंडेंसर जल गया, फूक गया, मतलब डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर गया, डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर गया, तो वो करंट का कंडक्शन करने लग गया, शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करने लग गया, तो उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ऐसा दिखा दिया। अब जो जेड की वैल्यू आएगी वो जाएगी जेड डैश इज इक्वल टू जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। क्यों, ऐसा कैसे लिख दिया हमने डायरेक्टली? बिल्कुल यहां से देखो, एक्सी जीरो हो गया, एक्सी जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अगर आपको आरएलसी सर्किट आता है तो आप आरएल सर्किट पढ़ सकते हैं, आप एलसी सर्किट पढ़ सकते हैं, आप आरसी सर्किट पढ़ सकते हैं। कैसे? देखो यहां आरएल सर्किट पढ़ना था तो हमने सी को हटा दिया तो आरएल बन गया। ऐसे ही आप फेजर डायग्राम में करेंगे, इसका फेजर डायग्राम कैसा आता है, वोल्टेज रेजिस्टेंस का यहां आता है, इंडक्टेंस का यहां आता है, कैपेसिटेंस का यहां आता है, ऐसे ही होता है ना। यहां से हमने सी हटा दिया ना तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ऐसे आएगा, इंडक्टर्स के अक्रॉस ऐसे आएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस जीरो, तो हटा दो, ऐसा बन जाएगा इसका फेजर डायग्राम। अगर मैं आरसी सर्किट पढ़ता तो आरएलसी होता तो ऐसे याद है ना हमें, अगर हम आरसी पढ़ते तो एल वाई कर देते तो आर यहां सी यहां, अगर एलसी होता तो आर वाई कर देते एलसी का इधर आ। सिंपल, अभी क्वेश्चंस करेंगे देखेंगे। अभी क्या है, अगर आरएलसी था तब ऐसा था, आरएल मतलब तो हम बिना कंडेंसर वाले फैन की बात करें तो ये ऐसा बिहेव करेगा, तो जेड डैश इतना है। अभी अगर हम करंट की कैलकुलेशन करें यहां पे तो करंट आएगा हमारा I इज इक्वल टू आई डैश इज इक्वल टू आई ऑफ V डिवाइड बाई जेड डैश। उसी टाइम स्टैंड पे अगर आरएलसी होता मतलब हमारा फैन विद कंडेंसर होता तो आता I, और I की वैल्यू क्या आ जाती, V डिवाइड बाई जेड। अब आप खुद देखिए यहां पे R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर है और यहां पे क्या है, XL माइनस समथिंग का स्क्वायर है, तो ये देखने से ही पता चल रहा है जेड डैश इज ग्रेटर देन जेड। जेड डैश की वैल्यू जेड से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, आई डैश इज लेस देन आई। यहां पे एक्सएल स्क्वायर है, वहां पे एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब अगर आप फैन में सीरीज में एक कंडेंसर ऐड कर देते हैं तो उसका नेट इंपीडेंस कम हो जाता है, नेट इंपीडेंस कम हो जाएगा तो करंट ज्यादा हो जाएगा। ये वाली सिचुएशन तब है जब हमारा कंडेंसर जल गया था, फूक गया था या ब्रेक डाउन कर गया था, ये वो कंडीशन है जब हमारे फैन में कंडेंसर लगा हुआ था तब। उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में करंट ज्यादा फ्लो करता है, जब ज्यादा करंट होगा तो वो जो क्वाइल है उस पर लगने वाला टॉर्क ज्यादा होगा, टॉर्क ज्यादा होगा तो वो घूमेगा बहुत तेज। इसीलिए जब कभी भी फैन का कंडेंसर जल जाता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। क्लियर? और इसी को अब हम एक अलग से टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, इसी को चोक क्वाइल भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसी को हम लिख देते हैं चोक क्वाइल। तो चोक क्वाइल कुछ और नहीं होता, चोक क्वाइल क्या होता है, एक आरएल सर्किट होता है।
तो चोक कॉइल के क्रॉस अगर आप फेजर डायग्राम बनाना हो वो बना सकते हो, इंपीडेंस कैलकुलेट करना है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट कैलकुलेट करना है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं।